हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू में वाई स्क्वायर। आप x एंड y की जगह कोई भी वैल्यू रख के देखो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना जी। तो यह आपकी क्या होगी, एक आइडेंटिटी हो गई। यानी कहने का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो वहां पे वेरिएबल्स के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, वो आपका आइडेंटिटी होता है। तो ये एक्चुअल में अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना जी, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कोई इक्वेशन ही होता है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे और उसमें भी जो एंगल होगा उसके हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल दें। तो कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इज सेड टू बी अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आप यहाँ थीटा की जगह 0 रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, जो जो वैल्यू जानते हैं उन सब पे चेक कर सकते हैं। सब पे हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो डेट मीन्स ये आपकी क्या होगी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। तो क्लियर हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ देखने वाले हैं जिसका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। थ्योरम 1 देखिए क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखिए जो आइडेंटिटी को प्रूफ करने वाले, तो इसमें देखिए इसके प्रूफ को, इसमें 3 केस हो सकते हैं। थीटा विल बी 0 डिग्री और 0 to 90 डिग्री हो सकता है और थीटा विल बी 90 डिग्री। हम लोग 0 to 90 तक ही ना देख रहे हैं जी, ये हो सकता है। तो अलग अलग केसेस में देखते हैं। पहला केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो इसका 0 और cos 0 का 1 स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से क्या फर्क पड़ेगा, 0 + 1 1 आ गया। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया केस फर्स्ट से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 हो जा रहा। केस सेकेंड ले लेते हैं, व्हेन थीटा जो है 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90 है, तब क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ये इनिशियल ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे ये टर्मिनल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ
ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पी लेकर इस पॉइंट पी से इस पे परपेंडिकुलर ऐसे गिरा देते हैं और ये आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हम लोग थीटा सपोज करते हैं कि लेट एंगल पी ओ ए इक्वल टू में थीटा, ठीक है, जो थीटा क्या 0 to 90 लिया है हमने, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर हम लोग इसमें ओपी स्क्वायर की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, पी बी स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर के। इसका यूज हम लोग करेंगे इसलिए मैंने पहले लिख दिया पाइथागोरस से, समझ रहे, ये पाइथागोरस हो जाएगा, लिख सकते हैं कि बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, इससे हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ए एंगल लेंगे तो पी बी बाई में ओ पी हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी बाई में ओ पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते। यहाँ पी बी स्क्वायर बाई में ओ पी स्क्वायर और ओ पी ओ बी स्क्वायर बाई में ओ पी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं ओ पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, ये देखो तो ये किसके इक्वल है, ओ पी स्क्वायर के इक्वल है ना, और नीचे भी ओ पी स्क्वायर कट गया वाला। यहाँ भी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो वन ही होता है। केस थर्ड ले लेते हैं, वेन थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। चलिए अब इसके लिए भी देख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, कॉस 90 का 0, 1 प्लस का 0, यहाँ भी 1 ही आ गया, 1 प्लस का 0 यहाँ भी 1 ही आ गया। तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 2, प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना कि इसमें थीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 90, क्योंकि 90 पे नन डिफाइन होता है ये भी और ये भी, ठीक है, 90 नहीं इक्वल होगा। यानी कि आप कह सकते हैं 0 पे भी ठीक है ना जी, तो 0 पे भी ठीक है और 0 से 90 के बीच में भी ठीक है, ठीक है, 90 पे नॉन डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे केस 2 आ जाएंगे, इसका प्रूफ देखिए, थीटा इक्वल टू में 0 और थीटा जो होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखते हैं, थीटा विल बी 0 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको चाहो तो इसे भी तो लिख सकते थे ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही बात होती, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ पाएगा यहाँ पे, है ना जी। चलिए तो हम लोग लेते हैं इसी को, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर, इसमें भी एक बार LHS RHS दोनों में रखना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ LHS में रखना पड़ेगा इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, sec स्क्वायर 0 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 0 डिग्री, sec स्क्वायर 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस tan 0 0 होता है, तो 1 माइनस का 0 1 आ जाएगा, तो आ जा रहा है ना जी। अच्छा केस सेकंड लेते हैं कि थीटा जो होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या होगा। चलिए तो सेम उसी तरह से मैं इनिशियल ले लेता हूँ, एक टर्मिनल ले लेता हूँ और इस पे से एक पॉइंट P लेकर इस पर परपेंडिकुलर गिराता हूँ ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो बाई पाइथागोरस लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि ओ पी स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा पी बी स्क्वायर और प्लस में ओ बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें यहाँ पर ओ पी स्क्वायर माइनस में पी बी स्क्वायर तो वो ओ बी स्क्वायर के इक्वल हो जाए कि नहीं, इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए तो लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे sec के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल लेते हैं थीटा, यानी सपोज कर लेते हैं कि लेट एंगल पी ओ ए जो है आपका थीटा, चलिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर sec थीटा एंगल ये लेंगे तो हो जाएगा h और बाई में b,
टेन थीटा ली है, तो पी बी और वाई में ओ बी स्क्वायर है, ओ पी स्क्वायर वाई में ओ बी स्क्वायर, और इधर पी बी स्क्वायर वाई में ओ बी स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ओ बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस का पी बी स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, देख रहे ना इसका डिफरेंस, और नीचे भी ओ बी स्क्वायर है, वन आ जा रहा है कि नहीं यहाँ भी। तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वन के इक्वल होगा, और ध्यान रखना होगा कि थीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 90, क्योंकि 90 पे नॉन डिफाइंड हो जाता है, समझे ना। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 3, प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना कि इसमें थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कॉट 0 भी नॉन डिफाइंड होता है, कॉसेक 0 भी नॉन डिफाइंड होता है, इसलिए 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़कर कोई भी आप है ना ले सकते हैं 90 तक, हम लोग 90 तक ही बात कर रहे हैं, आप इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब देखते हैं इसके हम लोग इसका प्रूव देखते हैं, हमारे पास दो केस बन के आएंगे यहाँ पे, थीटा का वैल्यू या तो आप थीटा का वैल्यू या तो आप 90 डिग्री लेंगे, और थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से ग्रेटर बट लेस देन 90 लेंगे, यही ना दो होगा जी। चलिए देखते हैं केस फर्स्ट और सेकंड एक एक करके, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये 1 होता है 1 का स्क्वायर, और माइनस ये 0 होता है 0 का स्क्वायर, तो 1 माइनस का 0 1 आ गया ना, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे 90 के लिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब केस सेकेंड ले लेते हैं, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, देखिए एक्यूट एंगल लेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ले लिया ओ ए, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, और इस पी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देते हैं बी, ये एंगल थीटा देते हैं, लेट एंगल पी ओ ए इक्वल टू में यहाँ थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो कि 0 से 90 के बीच है थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से चाहे तो पाइथागोरस से ओ पी स्क्वायर इक्वल टू में पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आप चाहो एक और काम कर सकते हो, ओ पी स्क्वायर माइनस में ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में पी बी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये एंगल लेंगे तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा आपका, ओ पी बाई में पी बी का स्क्वायर, माइनस कॉट के लिए ओ बी बाई पी बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते, ओ पी स्क्वायर बाई में पी बी स्क्वायर माइनस में ओ बी स्क्वायर बाई में पी बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे पी बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस में ओ बी का स्क्वायर, तो ऊपर देखिए आपका पी बी ही ना होगा जी, और नीचे आपका पी बी का स्क्वायर है, कट के 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, ध्यान रखना होगा कि इसमें थीटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते, हमने अभी 3 आइडेंटिटी देखी, पहला देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इससे हम लोग कुछ अदर भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको इधर ले देंगे, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे हम लोग और भी कर सकते हैं, स्क्वायर को रूट में देंगे तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसको रूट में भेजेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा हमने देखा था आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, या कि इधर प्लस में हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा।
अच्छा आपकी बात टेन को इधर, वन को इधर, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू में टेन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक थीटा इक्वल टू ये भी हो सकता है रूट अंडर वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू में ये स्क्वायर इधर दे देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का वन, ये भी हो सकता है। तीसरा हम लोग आइडेंटिटी देखे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में भी तो लिख सकते हैं ये इधर आके प्लस का वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको इधर आके इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाए इसको इधर ले जाते हैं इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, स्क्वायर को इधर रूट में भेजेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू में रूट अंडर वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या कॉट थीटा इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक्चुअल में यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं लेकिन अभी नहीं, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही लेके चलेंगे क्योंकि क्लास टेंथ में इलेवंथ में दोनों लगाना पड़ेगा आपको, समझे ना बात को। ये सब इसलिए मैंने बताया कि इन सब का भी हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, बस आपको ये तीन याद आएगा तो ये सब तो इसी से बने हुए आपको याद हो जाएंगे। देखिए एक और थ्योरम फोर दे रखा है जो कि पिछले चैप्टर में ही था, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी। देखिए हम लोग एक एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे, एक ट्रायंगल ही ले लेते हैं और इसका एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ये थीटा ले लेते हैं, ये राइट एंगल है यहाँ ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू में 90 देन एंगल ए इक्वल टू में थीटा है ना, एंड एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल ही ना होगा जी, एक 90 तो ये दोनों तो एक्यूट ही होंगे। चलिए अगर हम लोग इस फर्स्ट नंबर के लिए इसका आर एच एस लेके चले यानी कि साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू जानते ही है यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग बी सी बाई ए सी हो जाएगा और कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, बेस बाई हाइपोटेनस, ए सी ए सी कैंसिल बी सी और बाई में ए बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये टेन थीटा का ही ना वैल्यू हो जाएगा, यानी कि हमने दिखा दिया यहाँ पे कि टेन थीटा इक्वल टू में होता रहता है साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा। चलिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं, उसका भी आर एच एस लेते हैं, कॉस थीटा और बाई में आपका साइन थीटा, बाई में आपका साइन थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हो जाएगा यहाँ पर ए बी और बाई में ए सी, साइन थीटा के लिए हो जाएगा बी सी और बाई में ए सी, ए सी एन सी कैंसिल ए बी और बाई में बी सी, तो बेस बाई परपेंडिकुलर जो होगा कॉट ही ना होगा जी कॉट थीटा, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि कॉट थीटा जो होता है वह कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा होता है, ये हमने क्लियर करके दिखा दिया। ठीक है समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना जी, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।